ओम श्री सायरम गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन बटे हमने कल चैप्टर थर्टीन स्टार्ट किया था तो उसमें जो हमने क्वेश्चन किए थे फाइव टू नाइन तो मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की आपको मैं वीडियो सेंड करूंगी तो हेयर इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिल द ब्लैंक्स बटे दीज आर सो इजी क्वेश्चन ये सिर्फ फॉर्मूलाज है जो आपको आने चाहिए पैरामीटर एरिया में से तो लेट्स डिस्कस दैट द लेंथ ऑफ द लाइन फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ ए फिगर इज कॉल्ड इट्स देखो जब भी हम किसी फिगर की क्लोज शेप की बाउंड्री की बात करते हैं तो क्या होता है अब उसकी हम लेंथ की बात करें दैट इज अ पेरीमीटर सो यू हैव टू राइट हेयर पेरीमीटर ओके नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज सो हेयर वी हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल ठीक है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ओके देन पेरीमीटर ऑफ ए स्क्र Here I have already told you the two methods to find the perimeter of any closed shape. One, uh, one is uh, how we can find the perimeter by adding the sides and second one is by using the formula. So this is the second method uh, by which we can find the perimeter of a square that is a 4 into side. Perimeter of a square is 4 into side and then perimeter of an equilateral triangle. बेटा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इक्वलेटर ट्राएंगल मीन अ ट्राएंगल हैविंग थ्री इक्वल साइड्स देन या तो हम उसकी साइड्स को ऐड करेंगे या फिर हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं तो हेयर आई हैव रिटर्न बोथ ऑफ दैम सम ऑफ द लेंथ ऑफ इन कह सकते हैं थ्री इंटू साइड थ्री इंटू लेंथ ऑफ इंस या फिर थ्री इंटू साइड ओके लेंथ ऑफ द साइड ऑफ हि स्क्र अगर हमने किसी स्केयर की लेंथ निकालनी है साइड निकालनी है और आपको पैरामीटर गिवन है तो कैसे निकालते हैं उसको हमने फोर से डिवाइड कर देना है जो भी आपको पैरामीटर गिवन होगा उसको फोर से डिवाइड कर दो मीन्स हमने उस पैरामीटर को फोर साइड्स में डिवाइड करना है क्योंकि स्केयर में कितनी साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं फोर साइड्स देन डैश इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इंक्लोज विद इन द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज फिगर दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए एरिया तो दिस इज अ एरिया जी डेफिनेशन है एरिया की जैसे हमने कल डिस्कस भी किया था देन एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज एल इंटू बी एरिया ऑफ एयर इज साइड इंटू साइड पैरिमीटर ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ साइड फोर सेंटीमीटर इज देखो अगेन जा तो आप इसको ट्राइंगल बनाओ एक ड्रॉ करोगे फोर 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 फिर उनको ऐड कर दोगे डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो फोर इंटू साइड लेंथ ऑफ ए ट्राइंगल कितनी है साइड की लेंथ फोर है ना तो हम कितनी साइडें होती है ट्राइंगल की थ्री है ना तो थ्री इंटू फोर ट्वेल्व सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा ठीक है दिस इज योर आंसर पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल एरिया ऑफ ए बुक कवर ऑफ साइड थर्टी सेंटीमीटर बाई ट्वेंटी सेंटीमीटर हमने एरिया निकालना है तो देखो ये कौन सी शेप है जिसमें दो साइडें दे रखी है दिस इज अ रेक्टेंगल शेप है ना तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगाना है एरिया का रेक्टेंगल का ये वाला फार्मूला एल इंटू बी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा जब भी एरिया निकालते हैं ऊपर टू लगाना बहुत जरूरी है अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि जहां भी सेंटीमीटर है यहां भी सेंटीमीटर है तो कितने सेंटीमीटर हो गए टू हो गए ना तो दिस इज स्क्वायर बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आप लोग यहां से मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी वैसे आप ये अपने आप करोगे तो ज्यादा बेटर है कुछ नहीं है हेयर यू हैव टू फाइंड आउट दैट कि विच सिचुएशन वेयर वी हैव टू फाइंड एरिया और अ पैरामीटर ठीक है। रेक्टेंगुलर क्वेश्चन कोई रेक्टेंगुलर क्वेश्चन है उसका हमने लेस लगानी है बाउंड्री पे तो ओबियस हमने क्या निकालना है पैरिमीटर क्योंकि वो बाउंड्री की बात हो रही है विंडो पेन हमने विंडो के अंदर का एरिया जो ग्लास का लगा होता है ना उसको निकालने के लिए एरिया की बात हो रही ना शीशा लगाएंगे हम अंदर जब ग्लास देन वेन ए बुडन फ्रेम इज रिक्वायर्ड फॉर ए पेंटिंग सॉरी वूडन दिस इज ए वन फ्रेम तो वुडन फ्रेम पेंटिंग करनी है तो हमने उसके अंदर पेंटिंग करेंगे ना जैसे मान लो पूरा हमें जैसे मान पूरा वुडन का है इसके अंदर मैं लिख रही हूं जैसे तो दिस इज इज अ एरिया नीड टू तो ग्रास हम फील्ड के अंदर लगाएंगे तो दिस इज एरिया देन वेन डेकोरेटिव टेप इज रिक्वायर टू मेक ए बॉर्डर बॉर्डर की बात हो रही है तो क्या होगा दैट इज अ पेरीमीटर ठीक है बेटा अच्छे से ये क्वेश्चन आप अपने आप करोगे फिर आप इससे आंसर मैच करना है पहले खुद करो अपने आप करने की कोशिश करो और ये दोनों क्वेश्चन भी आपने अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेनी है तो नेक्स्ट टाइम जब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी ना तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी ऐसे कोई भी फॉर्मूला पूछ सकती हूँ और आपको पूछूंगी कि कोई भी सिचुएशन दूंगी कि प्लीज़ टेल मी वेदर वी हैव टू तो फाइंड एरिया और पैरिमीटर क्लियर है बेटा सायरा